एल डोराडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं क्योंकि आनंद इनगालगी की तबीयत अब पहले से बेहतर है। इधर आनंद इनगालगी की लाइब्रेरी से उस पीएन को जो केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी मिली थी, अब वो कॉपी जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े के पास है। आनंद इनगालगी अपनी लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पहले से ही मीडिया की सारी टीम के साथ दीपा हेगड़े भी वहाँ मौजूद होती है। जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े आनंद इनगालगी से पूछती है कि केजीएफ पर इंडियन आर्मी के अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया है और केजीएफ का सारा सोना रॉकी के साथ समुंदर के नीचे 20,000 फीट की गहराई में पहुंच गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, रीना भी मर गई है, फिर केजीएफ चैप्टर 3 क्यों? ये बात सुनकर आनंद इनगालगी कहता है कि इतिहास को दोहराना और इतिहास कायम करना ये दोनों अलग बातें हैं। दुनिया में पहले कभी इतना सोना एक साथ किसी ने भी नहीं देखा था जितना सोना लेकर रॉकी शिप पर जा रहा था, और जब वो मिसाइल रॉकी के शिप पर ब्लास्ट हुई तो सारा सोना समुंदर की गहराइयों में पहुंच गया और पूरे समुंदर उस गोल्ड की वजह से चमकने लग गया। किसी भी आर्मी, चाहे वो इंडियन की थी, इंडोनेशिया की या फिर अमेरिका की, रॉकी किसी को नहीं मिला और ना ही गोल्ड। जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े आनंद इनगालगी से बीच में टोकते हुए बोलती है कि आखिर चैप्टर 3 किस बारे में है, उस केजीएफ के बारे में जो अब तबाह हो चुका है या फिर रॉकी के बारे में जो मर गया है। फिर आनंद इनगालगी केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी को ओपन करके पढ़ने लगता है। आनंद इनगालगी बताता है कि चैप्टर 3 है रॉकी की लाइफ के उन 3 सालों, मतलब 1978 से 1981 के बीच की कहानी, जब रॉकी का रुतबा धीरे धीरे इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी कायम होने लग गया था। रॉकी ने अधीरा को जिंदा छोड़ दिया था और इनायत खलील से बिजनेस शुरू करके रॉकी ने इनायत खलील के गोल्ड को डायरेक्ट अफ्रीका से इंडिया में पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन रॉकी अभी भी रुकने को तैयार नहीं था क्योंकि रॉकी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो एक दिन दुनिया का सारा सोना ले आएगा। रॉकी को पता चला कि इंडोनेशिया कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, इसलिए रॉकी इंडोनेशियन गवर्नमेंट से बिजनेस डील करने इंडोनेशिया चला गया। रॉकी ने अपने इस टूर के बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि रीना को भी इस टूर के बारे में नहीं पता था। रॉकी अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को लेकर गया जिसमें एक तो आनंद इनगालगी था और दूसरा कौन था इसके बारे में आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। रॉकी जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से मिला, क्योंकि उस समय इंडोनेशिया की गोल्ड माइन गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो रॉकी के साथ बिजनेस डील नहीं कर सकता क्योंकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट गोल्ड माइन के बिजनेस की सिर्फ 40% पार्टनर थी। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन की 60% ऑनरशिप एक प्राइवेट कंपनी की थी। रॉकी उस कंपनी के ऑनर से मिला। रॉकी ने उस कंपनी के ऑनर को ऑफर दिया कि वो अगर रॉकी के साथ मिलकर गोल्ड का बिजनेस करेगा तो रॉकी उसकी कंपनी को 100% ऑनरशिप दिलवा देगा। मतलब रॉकी इंडोनेशियन गवर्नमेंट को पूरी तरह से गोल्ड माइन के बिजनेस से हटाना चाहता था। उस कंपनी का ऑनर मान गया। उस कंपनी का ऑनर रॉकी से पूछता है, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? तब रॉकी ने अपना प्लान शुरू किया। रॉकी ने पहले फॉरन में एक टीम तैयार की और उस टीम में फरमान, जिसको हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, वो भी एक कमांडर के रूप में था। असल में अधीरा ने फरमान को चेक पोस्ट ब्रिज के पास जान से नहीं मारा था, लेकिन रॉकी ने फरमान को दुनिया से और उसकी माँ से छुपाकर रखा हुआ था क्योंकि रॉकी फरमान को अपनी टीम का कमांडर बनाना चाहता था। और फरमान वही दूसरा शख्स था जो रॉकी के साथ इंडोनेशिया गया था। रॉकी जानता था कि हर कोई देश अपने बैंक्स में गोल्ड को रिजर्व करके रखता है, जिस वजह से अगर किसी देश में कोई खतरा आ जाए तो उस गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और जितना ज़्यादा कोई भी कंट्री गोल्ड को रिजर्व करती है उतना ही गोल्ड का प्राइस दुनिया में बढ़ने लग जाता है। रॉकी ने सभी देशों में अपनी टीम तैयार की और रॉकी की इस टीम में सभी प्रोफेशनल रॉबर्स थे। उन सब ने मिलकर 16 देशों के बैंक से गोल्ड चुरा लिया। इस वजह से पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को गोल्ड की कमी होने लग गई थी। अब सभी देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी गोल्ड माइंस से रिक्वेस्ट करने लग गए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड निकाले और उन देशों को सप्लाई करे। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस में भी बहुत भारी उछाल आ गया। तब इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी अपनी ऑनरशिप खो दी और उस कंपनी को 100% ऑनरशिप मिल गई। रॉकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चुराए गए
गोल्ड को पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में छुपा कर रख दिया। अब केजीएफ से भी बहुत सारा गोल्ड इंडोनेशियन गोल्ड माइन को भेजा जाने लग गया। बदले में इंडोनेशियन गोल्ड माइन कंपनी का ऑनर रॉकी को बहुत सारा पैसा भेजता था। रॉकी ने अपना सारा पैसा पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में फैला दिया था। मतलब रॉकी अब केजीएफ के गोल्ड को इंडोनेशियन की माइन के गोल्ड से मिलाकर लीगल तरीके से बेचने लग गया था। लेकिन फिर CIA यूनाइटेड स्टेट्स को रॉकी के बारे में पता चल गया, लेकिन उस समय तक रॉकी इंडिया वापस आ चुका था। CIA ने रॉकी के टीम मेंबर्स जो फॉरेन में रॉकी का बिजनेस संभाल रहे थे को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जब रॉकी को इसके बारे में पता चला तब रॉकी ने KGF के गोल्ड को सप्लाई करना बंद कर दिया और रॉकी ने ये सब KGF पर इंडियन आर्मी के हमले से सिर्फ 3 महीने पहले किया था। फिर रॉकी सारा गोल्ड लेकर इंडियन ओशीन में अपना शिप लेकर चल पड़ा। रॉकी ने गोल्ड ओशीन में जाने से पहले इंडियन नेवी, US नेवी और इंडोनेशियन नेवी को फैक्स करके ये बता दिया था कि वो गोल्ड लेकर आ रहा है। रॉकी ने ये सब प्लान के अकॉर्डिंग किया था। इनायत खलील उस समय इंडियन ओशीन पर अपना शिप लेकर पहुंच गया था जब रॉकी के शिप पर इंडियन नेवी ने मिसाइल छोड़ दी थी। इनायत खलील जो रॉकी के प्लान के मुताबिक वहां पहुंच गया था, रॉकी को वहां से लेकर चला गया। असल में रॉकी मरा नहीं था, वो शिप से पहले ही जंप कर गया था, इसलिए किसी को भी रॉकी की लाश नहीं मिली, वो अभी जिंदा है। इंडोनेशियन नेवी और US नेवी यानी पूरी दुनिया के लिए रॉकी मर गया है, लेकिन रॉकी अब अपने कमांडर फरमान जो आगे चलकर सालार बनने वाला है के साथ वापस जरूर आएगा। रमिका सेन जो CIA के द्वारा दी गई रॉकी के 16 कंट्रीज में किए गए क्राइम्स की रिपोर्ट पढ़ रही होती है, ये समझ जाती है कि ये सारा रॉकी की प्लानिंग थी और रॉकी अभी भी जिंदा है। तो आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो KGF फैन थ्योरी 4 चैप्टर 4 में बताएंगे। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका